नमस्कार साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आपका जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में यहां से पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले जानेंगे। डेफिनेशन क्या होती है सबसे पहले मैं इसमें हिंदी में जानेंगे, उसके बाद हम बकायदे उसको डायग्राम के हिसाब से जानेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज़ अ प्रेशर विच इज एग्जर्टेड अपॉन द वॉल ऑफ आर्टेरियल वॉल ड्यूरिंग द ब्लड फ्लो। क्या मतलब है, मान लीजिए आर्टरी है, आर्टरी में लगने वाला दबाव यानी इसमें जब ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो होने के साथ साथ जो इसमें दबाव लगता है यानी इसकी वेसल्स की जो क्या कहते हैं आर्ट वाल होती हैं, इस पर जो दबाव लगता है इसी दबाव लगने को हम क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर। यानी आर्टरी की वाल पर लगने वाला दबाव जब ब्लड फ्लो होता रहता है उसके समय लगने वाला दबाव वेसल्स की वाल पर क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। इसके दो टाइप हैं, टू टाइप। पहला होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा होता है डायस्टोलिक। क्या होता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक? सिस्टोलिक इट इज अ प्रेशर अपॉन द वॉल ऑफ आर्टरी अबंध वाला पात्री ड्यूरिंग द सिस्टॉल ऑफ हार्ट। क्या मतलब है, ये मान लीजिए अपना हार्ट है और ये ब्लड वेसल्स है। क्या होता है जब ये सिस्टॉल करता है, यानी जब वेंट्रिकल का सिस्टॉल होता है, सिस्टॉल के टाइम पर जो मैक्सिमम ब्लड है, जो मैक्सिमम प्रेशर है ब्लड का, उसके उस मैक्सिमम प्रेशर के दबाव से या उस मैक्सिमम प्रेशर के अभाव से जो प्रेशर इस वाल पर लगता है, यानी मैक्सिमम प्रेशर से जो क्या कहते हैं इस पर वाल पर जो प्रेशर पड़ता है उसे क्या कहते हैं अपन, उसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी सिस्टॉल हुआ उसमें ज़्यादा प्रेशर, यानी इस लिख सकते हैं इट इज़ अ मैक्सिमम प्रेशर, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन इट इज़ अ मैक्सिमम, क्योंकि जो अपना सिस्टॉल के टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा यानी बल्क ऑफ अमाउंट में जो ब्लड निकलता है और जो आर्टरी पर लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर। एंड इट इज़ डिपेंड ऑन, या कह सकते हैं इसकी नॉर्मल जो वैल्यू होते हैं, नॉर्मल रेंज इसकी होती है, नॉर्मल वैल्यू कह सकते हैं इसकी, नॉर्मल वैल्यू तो 120 mm ऑफ Hg। और दूसरा लिख सकते हैं इट इज़ डिपेंड अपॉन कार्डियक आउटपुट। कहने का मतलब जितना कार्डियक आउटपुट निकलेगा, जितना ब्लड निकलेगा इस सिस्टॉल से, वो सारा इस पर अगर लगेगा प्रेशर, जो प्रेशर इस पर वेसल्स की वाल पर लगता है, आर्टरी की वाल पर लगता है, उसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड इट इज़ डिपेंड ऑन कार्डियक आउटपुट। दूसरा बात करते हैं डायस्टॉल, इट इज़ द मिनिमम प्रेशर एग्जर्टेड अपॉन द आर्टेरियल वॉल ड्यूरिंग डायस्टॉल ऑफ हार्ट। जब अपना जो हार्ट होता है, मान लीजिए हार्ट जब डायस्टॉल रहता है यानी उसका रिलैक्सेशन रहता है, रिलैक्सेशन के दौरान जो आर्टरी पर पड़ने वाला प्रेशर है, आर्टरी की वॉल पर पड़ने वाला जो प्रेशर है, इसी के लिए दिस इज अ मिनिमम प्रेशर, कम से कम प्रेशर जो कि हार्ट के रिलैक्सेशन पर पड़ता है। हार्ट के रिलैक्सेशन पर जो भी प्रेशर वेसल्स की वॉल पर पड़ता है या आर्टरी की वॉल पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डायस्टोलिक बीपी। इट इज डिपेंड अपॉन किस पर डिपेंड करता है, यह डिपेंड करता है पीआर पर।
पीआर क्या होता है, पेरीफेरल रेसिस्टेंट। अगर कहने का मतलब इसमें रुकाव ज़्यादा रहेगा, अगर इसमें रुकाव ज़्यादा रहेगा तो ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, इस पर लगने वाला दबाव, इस पर लगने वाला दबाव ज़्यादा रहेगा। अगर उसी हम दबाव क्या कह रहे हैं, डायस्टोलिक, इट इज़ अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक्सर्टेड अपॉन द, यानी प्रेशर एक्सर्टेड अपॉन द वॉल ऑफ द आर्टेरियल वॉल, आर्टेरियल वॉल पर मिनिमम प्रेशर कितना लगता है, जो लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। नॉर्मली इसका वैल्यू होते हैं 80 mm ऑफ एलजी और इट इज डिपेंड ऑन पीआर, पेरिफेरल रेसिस्टेंट। ये हो गया अपना डायस्टोलिक बीपी और सिस्टोलिक बीपी। नेक्स्ट बात करते हैं पल्स प्रेशर की, बात करते हैं यहां पर पल्स प्रेशर क्या होता है। पल्स प्रेशर पल्स प्रेशर का फार्मूला होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होता है और जो डायस्टोलिक होता है 80 होता है। अगर इसके आंसर की बात की जाए तो 40 mm ऑफ एजी, यानी दोनों के, यानी सिस्टोलिक इट इज अ प्रेशर, इट इज अ मीन प्रेशर विच इज द बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में जो प्रेशर बनता है दोनों को क्या करना है, 120 में से माइनस 80 कर देना है, जो हमारा आंसर बचता है वो क्या कहलाता है, पल्स प्रेशर कहलाता है। तो ये हो गई बात अपने पल्स प्रेशर की। नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। उसमें दो होते हैं, एक सेंट्रल होता है एक पेरिफेरल होता है। सबसे बात पहले करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं सेंट्रल फैक्टर, सेंट्रल फैक्टर कहने का मतलब सिर्फ इसमें किसकी बात होगी, सिर्फ इसमें होगी हार्ट की बात। दूसरा होता है पेरिफेरल, पेरिफेरल फैक्टर। अगर यहाँ पर हम सेंट्रल की बात करें, सेंट्रल में मान लीजिए कार्डियक आउटपुट, यहाँ सबसे पहली बात करते हैं कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट अगर मान लीजिए, अपना जो कार्डियक आउटपुट होता है 5 लीटर होता है, 5 लीटर, अगर 5 लीटर से अगर 8 लीटर हो जाए तो क्या होगा, अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा तो जो अपना ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आर्टरी है, जब 5 लीटर आ रहा था ब्लड तो ठीक है नॉर्मल से लग रहा था, लेकिन अगर यही 8 लीटर आ लगेगा तो इसमें ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा हो जाएगा तो इस पर लगने वाला जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ब्लड प्रेशर प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट, क्या लिखा है यहाँ पर, ब्लड प्रेशर प्रोपोर्शनल टू कार्डियक, यानी ब्लड प्रेशर अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, यानी कार्डियक आउटपुट अगर बढ़ेगा तब क्या होगा, तब जो अपना ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। पहला हो गया कार्डियक और दूसरा होता है हार्ट रेट। अगर किसी भी, अगर हार्ट की जो होता है हार्ट रेट बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अगर ब्लड प्रेशर, यहाँ पर ब्लड प्रेशर डिसप्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट, क्या होता है इसमें, मान लीजिए ब्लड प्रेशर कम हुआ, मान लीजिए ब्लड प्रेशर कम हुआ तो कंपनसेट करने के लिए क्या होगा, हार्ट अपना रेट बढ़ाएगी, हार्ट की रेट बढ़ जाएगी ताकि कंपनसेट हो जाए। तो यहाँ पर यानी जस्ट उल्टा है, अगर यहाँ पर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो हार्ट रेट अपना बढ़ा रहा है, क्यों बढ़ा रहा है, ताकि कंपनसेट कर ले बॉडी कोई दिक्कत ना हो, आगे परफ्यूजन अच्छे से पहुँचता रहे, इसीलिए कंपनसेट करने के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पर हार्ट रेट बढ़ा रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखा है ब्लड प्रेशर डिसप्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। यहाँ पर बात हो गई सेंट्रल की। अगर इधर बात करें पेरिफेरल की तो सबसे पहले आता है पीआर, क्या आता है पीआर, पेरिफेरल रेसिस्टेंट आता है सबसे पहले। पेरिफेरल रेसिस्टेंट का मतलब होता है अवरोध, अवरोध का मतलब होता है मान लीजिए कोई ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर अगर कोई रुकावट आ गई, अंदर तो क्या कहेंगे इसको कहेंगे पीआर बढ़ गया। अगर इसके अंदर कोई रुकावट आ गई तो क्या होगा, पीआर बढ़ जाएगा, कहने का मतलब इसमें रुकावट बढ़ जाएगी। अगर पहले मान लीजिए कोई रुकावट नहीं थी तो नॉर्मल इतना ही था इसका, अगर ये रुकावट यहाँ तक आ गई तो क्या हो गया, हम क्या कहेंगे, पीआर बढ़ गया, पेरिफेरल रेसिस्टेंट यानी रुकावट बढ़ गया। तो अगर यहाँ पर साधारण सी बात है, ब्लड प्रेशर से में अगर पीआर बढ़ा रहेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहेगा, क्यों,
ये ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा रहेगा तो लिख सकते हैं ब्लड प्रेशर प्रोपोर्शनल टू पीआर, पेरिफेरल। अगर पेरिफेरल रेसिस्टेंट बढ़ता है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, इसलिए लिख दिए ब्लड प्रेशर प्रोपोर्शनल टू पीआर, पेरिफेरल रेसिस्टेंट। दूसरी बात करते हैं इसमें जो अपना विस्कोसिटी कह सकते हैं या इलास्टिसिटी की पहले बात कर लें, इसमें इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स या आर्टेरियल ब्लड वॉल, इलास्टिसिटी ऑफ आर्टेरियल वॉल, जो आर्टरी की वॉल है उसकी इलास्टिसिटी से क्या होगा। अगर मान लीजिए कोई ब्लड वेसल्स है, इलास्टिक रहती है तो फायदा क्या है, इलास्टिक रहती है तो ये फायदा है कि मान लीजिए किसी कारणवश थोड़ा सा अपना ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया या ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया और कार्डियक आउटपुट ज़्यादा निकल गया, तो उस समय क्या होता है ब्लड वेसल्स अपनी डायलेट हो जाती है। जब डायलेट हो जाती है तो ब्लड आगे अच्छे से कोई बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ जाता है। अगर और जो उस पर लगने वाला प्रेशर है वो कम हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी वो डायलेट है। अगर मान लीजिए कार्डियक आउटपुट ज़्यादा निकला, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा निकला तो क्या होगा, जब कार्डियक आउटपुट ज़्यादा निकलेगा तो जो अब लगने वाला उस पर दबाव हो वो ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इलास्टिसिटी होने के कारण, इलास्टिसिटी होने के कारण वो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे। जब डायलेट हो जाएंगे तो अब बताओ क्या इस पर प्रेशर लगेगा, नहीं लगेगा। यहाँ पर बात करें इलास्टिसिटी से ब्लड प्रेशर पर क्या पड़ेगा, अगर इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं ब्लड प्रेशर डिसप्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी ऑफ, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स यानी आर्टेरियल। यहाँ पर बीपी ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है, जब इलास्टिसिटी खत्म हो जा रही है, यानी इलास्टिसिटी कम होगी। यहाँ पर इलास्टिसिटी कम होगी, यहाँ पर ठीक था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, अगर इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो जो अपना ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ये हो गई अपनी बात इलास्टिसिटी की। अगर यहाँ पर दूसरी बात की जाए, दूसरा हो गया, तीसरा होता है डायलेट, जो अपनी वेसल्स डायलेट, या कह सकते हैं यहाँ पर दूसरा अगर लिखते हैं पेरिफेरल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इलास्टिसिटी हो गई। तीसरी बात करते हैं ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ये ब्लड वेसल्स है, अगर इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तब भी क्या होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। यानी ब्लड प्रेशर प्रोपोर्शनल टू ब्लड वॉल्यूम, अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अपना आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या मतलब होता है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन। क्या होता है गाढ़ापन, क्या होगा गाढ़ापन, अगर विस्कोसिटी, आप यहां पर लिख सकते हैं विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, अगर ब्लड ज्यादा गाढ़ा होगा तो क्या होगा, इसमें ज्यादा जो अपनी वेसल्स है यानी आर्टेरियल वॉल है, आर्टेरियल वॉल पर ज्यादा इस पर लगेगा प्रेशर, ज्यादा लगेगा इस पर फोर्स, ज्यादा लगेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं ब्लड प्रेशर प्रोपोर्शनल टू, ब्लड प्रेशर प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। अगर विस्कोसिटी गाढ़ापन अगर खून का ज़्यादा होगा तो वहाँ पर भी जो ब्लड प्रेशर है वहाँ पर ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है मान लीजिए ये अपनी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में अगर इसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, यानी वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन और ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। यानी ब्लड कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा, यानी ब्लड प्रेशर आप प्रोपोर्शनल टू वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड प्रेशर अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ यानी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी बढ़ा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो अपना ब्लड प्रेशर भी है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वैसो डायलेशन के बारे में, वैसो डायलेशन क्या होगा, मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है और ये नॉर्मल इसका डायमीटर है, अगर ये डायमीटर बढ़ जाए तो क्या होगा, यानी यहां तक आ जाए तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं ब्लड प्रेशर डिसप्रोपोर्शनल टू वैसो डायलेशन
ऑफ ब्लड वैसोडायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड प्रेशर क्या होगा, वैसोडायलेशन अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, ये वैसोडायलेशन कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर ये वाल यहां पर चली जाएगी तो इस पर लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा, यानी ब्लड जो वैसोडायलेशन हुआ वो ज्यादा हुआ तो इसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये तो अपनी बात हो गई पेरीफेरल की और सेंट्रल की। अब दूसरी यहां पर बात करते हैं फिजियोलॉजिकली, एक होता है फिजियोलॉजिकली, एक होता है पैथोलॉजिकली। तो सबसे पहले और एक फैक्ट दो दो फैक्टर और पढ़ते हैं यहां पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल क्या होगा, मान लीजिए ओल्ड एज, ओल्ड एज में भी ब्लड प्रेशर, यानी यहाँ पर फिजियोलॉजिकल में बात करें तो एक होगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज का क्या होगा, कब होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कब होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर इंक्रीज कब होगा, ओल्ड एज में। ओल्ड एज में क्या होता है, इलास्टिसिटी ब्लड प्रेशर की खत्म हो जाती है। जब इलास्टिसिटी ब्लड प्रेशर की खत्म हो जाएगी तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है या जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या कह रहे हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना। ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर की या आर्टेरियल वाल की जो इलास्टिसिटी रहती है, जो खिंचाव की रेट रहती है जिससे कि ब्लड प्रेशर खींचती है, वो खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी तो उस वाल पर लगने वाला प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए कह रहे हैं ओल्ड एज में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है आफ्टर मील। आफ्टर मील में क्या हुआ, खाने के बाद, ये फिजियोलॉजिकल है, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करें एक्सरसाइज में क्यों बढ़ता है, आफ्टर एक्सरसाइज है ना, आफ्टर एक्सरसाइज क्या होता है, बॉडी को क्या जरूरत होती है, एटीपी की, एनर्जी के लिए, और उसके लिए क्या जरूरत है, ऑक्सीजन। एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन जरूरत है। अगर ऑक्सीजन पहुंचाना है तो ब्लड सबसे पहले यानी ऑक्सीजन ब्लड के साथ ही पहुंचता है, तो ब्लड को जरूरत होती है। अगर ज्यादा ब्लड को जरूरत, ज्यादा एटीपी की जरूरत हुई तो ज्यादा ब्लड की जरूरत होगी। अब ज्यादा ब्लड की जरूरत होगी तो हार्ट के द्वारा ज्यादा ब्लड भेजा जाएगा। अब ज्यादा ब्लड भेजा जाएगा तो जो अपनी आर्टरी है, आर्टरी पर ज्यादा फोर्स लगेगा, यानी वाल पर ज्यादा धक्का लगेगा। हम क्या बोल रहे हैं, जो अब एक्सरसाइज के बाद अपना ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या होता है, आर्टरी की वाल पर लगने वाला मैथ या आर्टरी की वाल पर लगने वाला प्रेशर ड्यूरिंग द ब्लड फ्लो क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। अगर बात करें डिक्रीज में कब होगा, ड्यूरिंग स्लीप, ड्यूरिंग स्लीप। स्लीप में क्या होगा, उस समय हमारी बॉडी काम नहीं करती है, इसलिए ऑक्सीजन या एटीपी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए धीरे धीरे भी अपना ब्लड उस ऑर्गन तक, उस टिश्यू तक पर्टिकुलर ब्लड पहुंचाता रहता है, और उस समय थोड़ा सा अपने आप को क्या मिलेगा, ब्लड प्रेशर कम मिलेगा। ये बात होगी अपनी फिजियोलॉजिकल की। अगर पैथोलॉजिकल की बात की जाए तो उसमें भी दो कंपोनेंट्स है पैथोलॉजिकल में, एक होता है हाइपोटेंशन, एक होता है हाइपरटेंशन। पैथोलॉजिकल में क्या होगा, एक होता है हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो अपना ब्लड प्रेशर होता है 1/40 होता है सिस्टोलिक, ये होता है डायस्टोलिक। और इधर होता है हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। ये कितने से कम हो जाना, 100/60। अगर ये कंडीशन आती है mmHg तो क्या कहलाता है अपना, अगर लगातार एक बार, अगर नॉर्मली एक कभी 2-4 महीने में थोड़ा सा एक बार कम हुआ, इतना ज़्यादा हो गया, इतना कम हो गया तो नहीं होगा। अगर यही हफ्ते में 2-3 बार रहने लगे, ऐसी कंडीशन रहने लगी तो ये हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन ज़रूर हो जाएगा। तो ये अपनी सारी जानकारी हो गई ब्लड वेसल्स के बारे में और कौन कौन से फैक्टर हैं इसको अफेक्ट करते हैं। और नॉर्मली हमने देख लिया ये सारी चीज़ें, और क्या होता है पल्स प्रेशर, कितने प्रकार के ब्लड प्रेशर होते हैं, सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में पढ़ी। और हम आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स टू ऑल।